we have got a massive wall at rest. The massive wall, bahut badi wall at rest, and this is a small body, a small particle moving with some velocity u. It undergo head on elastic collision with massive wall. Here we have got elastic collision. इस सिचुएशन में क्या होगा, इस बात को हम समझना चाहते हैं. Although it's a common phenomena, हमारे सराउंडिंग में डे टू डे लाइफ में होता है. दिस बोर्ड इज अ मैसिव वॉल, एक छोटा सा पार्टिकल इससे टकराता है. क्या हुआ वो हमको दिख रहा है, बोर्ड को कुछ नहीं हुआ, वॉल को कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ पार्टिकल को हुआ. पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, रिबाउंड हो गया. इसी चीज को हमें इधर कंक्लूड करना है, हमें प्रूव करना है. इफ वी हैव गॉट अ मैसिव वॉल एट अ रेस्ट, यह मैसिव वॉल रेस्ट पर है, इस पर एक छोटी सी बॉल टकराती है. इस छोटी सी बॉल के टकराने से, जिसका कुछ फाइनाइट मास है, इलास्टिक कोलिजन होता है. इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की सिचुएशन कैसी और क्या होगी, हम मैथमेटिकली इस बात को समझते हैं. वंस अगेन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इस इलास्टिक कोलिजन के लिए भी हम वही दोनों कंस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम वॉल का मास m मान लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी v, जिसको हम जीरो करेंगे. अभी इनिशियल वॉल हैविंग मास m, हैविंग सम वेलोसिटी v, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. हम इसे जीरो कर देंगे. अभी बॉल हैविंग मास m, हैविंग सम वेलोसिटी u, जो भी कुछ वेलोसिटी है उसकी. फाइनली दिस इज बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मासिव वॉल के मास में कोई फर्क नहीं, वेलोसिटी उसकी हो जाती है v डैश. मुझे नहीं पता कोलिजन के बाद वॉल की क्या वेलोसिटी हो, सकता है वॉल मूव करने लगे, कुछ भी वेलोसिटी v डैश. और बॉल जो उससे टकरा रही है उसकी वेलोसिटी u डैश. This is momentum before collision, this is momentum after collision. Momentum conservation principle says that यदि यह event zero time में हो रहा है तो momentum conserved रहना चाहिए. Momentum before the collision must be equal to momentum after the collision. Now what I do? I collect capital M terms and small m term on either sides. Capital M term मैंने इधर ले लिया, small m term मैंने इधर ले लिया. V minus V dash, I write it like this, capital M upon small m is equal to U dash minus U. आप जरा देखिए, यहां तक मैंने कोई एजम्पशन नहीं करा है, इट्स अ जनरलाइज्ड इक्वेशन विच कैन ऑलवेज बी रिटन. अब मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ वॉल, इफ वॉल इज मासिव, यदि यह वॉल मासिव है, इन दैट केस एम approaches infinity,
एम की वैल्यू वेरी 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 लार्ज होगी. कैपिटल एन अप्रोचेस इंफिनिटी बिकॉज दैट वॉल इज मैसिव. इन दैट केस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, स्मॉल एम इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, वाइल कैपिटल एम इज लार्ज क्वांटिटी, इट्स इनफाइनाइट क्वांटिटी. अ फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट क्वांटिटी, इट अप्रोचेस जीरो. यह जीरो अप्रोच करेगा. एंड इन दैट केस एम बाय एम इंटू यू डैश माइनस यू, यू डैश माइनस यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डैश भी फाइनाइट होगा, यू भी फाइनाइट होगा. ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दोनों फाइनाइट होंगे. बट एम बाय एम जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग, एम बाय एम जीरो है, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग वुड अप्रोच जीरो. This complete term would approach zero. In that case, V minus V dash, this thing approach zero, V minus V dash approach zero. In that case, V dash approaches V, which is zero. Means if initially wall it at rest, finally also wall would remain at rest. Initially यदि wall rest पर है तो finally भी wall rest पर ही रहेगी. If massive wall initially at rest, then finally also the massive wall remain at rest. और जो प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं, यह फाइनाइट मास का चौक टकरा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है दीवार पे? दीवार तो जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही है, इस पर थोड़ी ना फर्क पड़ा. कोई फर्क किस पर पड़ा? ये चीज हमने प्रूव करी मैथमेटिकली. अब फर्क किस पर पड़ा उसको देख लें, चौक पर, पार्टिकल पर. कैसे फर्क पड़ा वो देखता हूं. इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ पार्टिकल वन वुड बी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ पार्टिकल टू. मैं वहां फंडा लगा रहा हूं, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ वॉल वुड बी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ बॉल जो टकरा रही है या पार्टिकल. मुझे हमेशा इस तरह से वो दूसरी इक्वेशन लगाना हमेशा इजी लगता है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में वो भी लगा सकता हूं, उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है. मगर उसमें जनरली मुझको कई बार क्या होता है, साइन पहले से देखना पड़ता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पास आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, वो देखना पड़ता. इस केस में मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता, अब जो डायरेक्शन होगा अपने आप आ जाएगा सॉल्व होके. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वॉल इज जीरो, मासिव वॉल एट रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वॉल इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर वही चीज प्रूव करी है कि वॉल जो इनिशियली रेस्ट पर रहेगी वो फाइनली भी रेस्ट पर रहेगी, वॉल पर कोई फर्क नहीं. इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ वॉल, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ वॉल इज माइनस ऑफ यू, मींस बॉल रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी, द पार्टिकल वुड रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी.
इनिशियल साइन मींस इनिशियली टकराने से पहले वेलोसिटी इस तरफ, फाइनली वो अपोजिट हो जाएगी. यू डैश इज इक्वल टू यू, मतलब जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से वह लौटेगी. दिस इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद अ मैसिव वॉल एट रेस्ट. अब अगला आर्टिकल समझाऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा. नाउ लेट्स रिज्यूम अवर लेक्चर. नाउ द थर्ड केस, पहला केस हमने समझा व्हेन टू आइडेंटिकल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. दूसरा केस हमने समझा व्हेन अ पार्टिकल हैविंग फाइनाइट मास अंडरगो इलास्टिक कोलिजन with a massive wall. Now, third case. This is third case. Here is a massive wall with velocity v. This is a massive wall, both massive wall, heavy wall, it's moving with velocity v, and this is a small ball or small particle moving with velocity u in this direction, and they undergo head-on elastic collision. Now, if this is the situation, a very, very interesting situation. Situation ko dhyan se dekho, jo hum derivation kar rahe hain, us derivation ko dekho, final result ko dekho, aur final result ko hamesha ke liye dimag mein baitha lo. Main sabse pehla ek baat poochta hoon. Cricket dekhte ho? Commentary sunte ho? कमेंट्री में वो लोग बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं. जनरली पहले 10 ओवर में जब पावर प्ले चलता है, जनरली उन 10 ओवर में कोई सा भी कैप्टन पिंच हिटर को बैटिंग के लिए भेजता है. पहले 10 ओवर पिंच हिटर को भेजा जाता है. कमेंटेटर्स भी बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, पिंच हिटर, पिंच हिटर. आज के समय यदि हम बात करें क्रिस गेल की, ही इज अ पिंच हिटर. एक समय सचिन तेंदुलकर हुआ करता था पिंच हिटर, या फिर सनत जयसूर्या, ही इज अ पिंच हिटर, या फिर गॉर्डन ग्रेज, विवियन रिचर्ड्स, दे आर पिंच हिटर. So what do you mean by pinch hitter? ये pinch hitter क्या होता है? Can anybody tell me what do you mean by pinch hitter? जरा माइक लेकर पास में आओ. Somebody please tell me what do you mean by pinch hitter? Pinch hitter आप किसे कहते हो? कोई क्रिकेट का जो नॉलेज रखता हो, खूब कमेंट्री सुनता हो, do you know what is who is called a pinch hitter? सचिन तेंदुलकर को एक समय पिंच हिटर कहा जाता था, आज के समय नहीं कहा जाता. क्या परिवर्तन आया है? क्रिस गेल को आज भी कहते हैं, सनत जयसूर्या. जनरली वह बैट्समैन पिंच हिटर कहलाता है हु यूसेस अ हैवी बैट एंड हु हैव गॉट ह्यूज मस्कुलर पावर. वो अपनी मसल पावर से
उस हैवी बैट को पूरा ऊपर तक उठाता है और फुल स्विंग के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी से उसको घुमाता है. नॉट ओनली ही यूजेस हैवी बैट, नॉट ओनली हु हैव गॉट मस्कुलर पावर, हु कीप हिज आई कॉन्स्टेंटली टुवर्ड द बॉल, हु इज एबल टू मिडल द बॉल एज वेल. सबसे पहली बात, वो बहुत हैवी बल्ला इस्तेमाल करता है. दूसरी बात, उसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि उस मसल बैट को फुल स्विंग के साथ ऊपर उठा भी सकता है, तेजी से घुमा भी सकता है, और साथ में इस फेनोमेना के दौरान उसकी आंखें पूरी तरह से हमेशा बॉल पर रहती हैं और पूरी तरह से बॉल पर नजरें लगाए रखे हुए वो बॉल को बैट के मिडल पर ले लेता है. और स्थिति कुछ ऐसी होती है कि एक बार बॉल और बैट का संपर्क हो जाए, उस बॉल को कोई फील्ड नहीं कर सकता. यदि वो हवा में खेला गया शॉट है तो सीधा बाउंड्री पार सिक्स के लिए जाएगा, एंड इफ इट इज अ ग्राउंडेड शॉट प्लेड पैरेलल टू ग्राउंड, इन दैट केस वो इतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाएगा कि फील्डर सिर्फ उस बॉल को देख ही सकता है. वो बॉल कब बैट से अलग होकर कब बाउंड्री तक चली गई, दैट वुड बी ऑलमोस्ट अ नेग्लिजिबल टाइम. उतने टाइम में कोई फील्डर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसको फील नहीं कर पाएगा, उसके काफी करीब से भी जा रही होगी तो निकल जाएगी और सीधा बाउंड्री में. ऐसा होता है इफ अ बैट्समैन यूज अ हैवी बैट. मैं इनफैक्ट वही स्थिति समझा रहा हूं, मैं वही समझा रहा हूं कि पिंच हिटर हम किसे कहते हैं. और पिंच हिटर एक समय सचिन तेंदुलकर का बल्ला सबसे भारी होता था. ही यूजेस हैवीएस्ट बैट, दैट वॉज द ईयर 2001 to 2004 से इनफैक्ट हैवीएस्ट बैट इस्तेमाल करने लगा था और उसी की वजह से उसको फिर टेनिस एल्बो भी हुआ था, क्योंकि बहुत हैवी बैट कॉन्स्टेंटली आप इस तरह से घुमा रहे हो तो एल्बो में इनमें जॉइंट में समस्या आ जाती है. और फिर उस टेनिस एल्बो के बाद उसने अपने बैट का वजन कम कर दिया था. आज के समय जो सचिन तेंदुलकर आज के समय जो बल्ला इस्तेमाल करता है वो उस बल्ले से तो शायद आधा वजन का, मगर एक समय वह पिंच हिटर कहलाता था और उसके द्वारा हिट करी गई बॉल इतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती थी कि यू हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स इन बोथ टाइप ऑफ मैचेस, आइदर इन वनडे और इन टेस्ट मैच, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स उसके नाम से. अब देखिए कैसे, दिस इज अ मासिव बैट, मासिव बॉल की जगह मैं क्या बोलता हूं, मासिव बैट मूविंग विद सम वेलोसिटी जो किसी हैवी मस्कुलर पर्सन ने तेजी से घुमाया, एंड दिस इज अ स्मॉल बॉल हैविंग सम फाइनाइट मास मूविंग विद सम वेलोसिटी यू. जस्ट इमेजिन सचिन तेंदुलकर बैटिंग वर्ल्ड कप 2003 सेमीफाइनल और शोएब अख्तर सामने बॉल कर रहा है रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसके द्वारा बॉल की गई मैक्सिमम वेलोसिटी आज भी याद करा जाता है थर्ड मैन थ्रो सिक्स इफ यू रिमेंबर, जिसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सचिन ने सिर्फ टच करा है और मात्र टच कर देने से थर्ड मैन पर वो सिक्स गया था. दैट वॉज द इफेक्ट ऑफ दैट हैवी बैट. कैसे हुआ उसको समझेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन. सबसे पहले मास ऑफ बैट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैट, मास ऑफ बैट लेट अस से कैपिटल एम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैट प्लस मास ऑफ बॉल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू
फाइनली मास ऑफ बैट तो सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बैट वी डैश, मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल यू डैश, सेम मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन सबसे पहले हम लिख देते हैं। कैपिटल एम टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, वी माइनस वी डैश इंटू कैपिटल एम और हियर एम इंटू यू डैश माइनस यू, कैपिटल एम टर्म एक साइड कलेक्ट कर ली, स्मॉल एम टर्म एक साइड कलेक्ट कर ली, वी रीअरेंज दिस इक्वेशन इन दिस मैनर, अब जरा देखिए एक और फिनोमेना मैं बताता हूं, कई बार आपने देखा होगा वो जो पतले दुबले खिलाड़ी होते जिनमें कोई खास मस्कुलर पावर तो नहीं होती है, दे हैव गॉट गुड टेक्निक, जो बॉल को सही एंगल पर ले लेते हैं और बैटिंग करते हैं, मगर मस्कुलर पावर नहीं होने की वजह से वो हल्का बल्ला इस्तेमाल करते हैं। हल्का बल्ला इस्तेमाल करने वाले बैट्समैन के साथ में आपने यह बात भी सुनी होगी, देखी होगी कि वो थोड़ा फास्ट बॉलर से घबराते भी हैं। फास्ट बॉलर सामने आ जाए तो उनको थोड़ा डर भी लगता है, और कई बार इस तरह से फिनोमेना भी आपने मैच खेलते हुए मैच देखते हुए आपने देखा होगा कि वो जो बैट्समैन है सामने कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फास्ट बॉलर है लाइक देव स्टेन और लेट अस से अकरम इमरान, और ये बैटिंग करते हैं और जैसे ही बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट होता है एकदम से इस तरह से हाथ झटकाने लगते हैं, इनको एकदम से कलाइयों में भयंकर जोर जर्क लगता है और इस तरह से शॉट खेलते से दोनों तो अलग बात है, पहले तो अपना हाथ देखते रहते और फिर बॉलर की तरफ देखते, बॉलर इनकी तरफ देखता है, बॉलर थोड़ा हंसता है और ये हल्का सा शर्मा जाते, इट्स बिकॉज कि भाई मसल्स में कोई जान तो है नहीं, बैट हल्का है, अब बैट हल्का है तो क्या फिनोमेना हो रहा है वो इधर दिखेगा आपको, इफ द बैट इज लाइट दिस स्मॉल एम दिस कैपिटल एम द मास ऑफ बैट इट्स अ स्मॉल वैल्यू, इसकी स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ये फाइनाइट है, इफ दिस इज फाइनाइट दिस कंप्लीट टर्म इज फाइनाइट, नॉट ओनली फाइनाइट इट्स लार्ज, यदि कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल है, कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल मतलब बैट हल्का है, यदि आपने हल्का बैट इस्तेमाल करा तो कैपिटल एम स्मॉल है, कैपिटल एम के स्मॉल होने से एम बाय एम मास ऑफ बॉल अपॉन मास ऑफ बैट दिस इज लार्ज, इसके लार्ज होने से कंप्लीट टर्म लार्ज हो गया, मींस वी माइनस वी डैश लार्ज हो गया, वी माइनस वी डैश लार्ज होने का मतलब क्या है कि इनिशियल बैट की वेलोसिटी और फाइनल बैट की वेलोसिटी उसमें लार्ज डिफरेंस है, मतलब जिस वेलोसिटी से वह बैट्समैन बैट को घुमा रहा था ठीक बॉल से टकराते सही ठीक टकराने के बाद उस बैट की वेलोसिटी एकदम से चेंज हुई, और जो वेलोसिटी एकदम से चेंज हुई वो उसकी कलाइयों में एकदम से महसूस हुई और कलाइयों में एकदम से झटका लगा, वो उसको एक जर्ग के रूप में महसूस हुआ, उसको एकदम से हाथ में दर्द होएगा और वो एकदम इतना दर्द होएगा कि इस तरह से एकदम से हाथ करने लगेगा,
वो एकदम से देखेगा कि यार कितनी तेज बॉल फेंकी साले ने, हाथ तोड़ दिया बिल्कुल, वो इस तरह से देखेगा। वाई इफ मैसिव वॉल, इफ मैसिव बैट, यदि यह वॉल मैसिव है, यदि बैट मैसिव है, तो क्या होएगा? दिस एन अप्रोचेस इंफिनिटी, फिर वापस वही काम कर रहा हूं जो पिछले आर्टिकल में करा। यदि यह बैट मैसिव होएगा, यदि वो पिंच हिटर है, सचमुच में बहुत भारी बल्ला इस्तेमाल करता है, तो भारी बल्ला इस्तेमाल करने की वजह से ये एम लार्ज है, एम लार्ज होने की वजह से एम बाय कैपिटल एम स्मॉल होएगा, नियरली जीरो, और इसके स्मॉल होने से एम बाय कैपिटल एम इंटू यू डैश माइनस यू, दिस थिंग वुड बी स्मॉल, नियरली अप्रोचिंग जीरो, और इस वजह से v माइनस वी डैश अप्रोचिंग जीरो और v डैश अप्रोचेस v। इसका मतलब क्या है? यदि बैट सचमुच में भारी होएगा, आप जब उसको घुमा रहे हो, घुमाने के दौरान बीच में बॉल के साथ में उसका संपर्क हुआ, मगर उस संपर्क के दौरान, उस कॉन्टैक्ट के दौरान बैट की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया, आपका बैट तो ऐसा कैसे घूमता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब बैट का कॉन्टैक्ट बॉल से हो गया और बॉल कब निकल गई, आपका बैट तो स्मूथली ऐसे घूमता चला जा रहा है, बीच में कहीं पर भी बैट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, और चूंकि बैट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए आपके हाथ के मूवमेंट में कोई फर्क नहीं आया, आपके कलाइयों के मूवमेंट में कोई फर्क नहीं आया, आपकी कलाइयों पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, बैट को कोई इंपल्स नहीं मिलेगा, कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपकी कलाइयों में किसी तरह का कोई जर्क नहीं है। ऐसा तब होएगा जब आपके शोल्डर्स ताकतवर हो, शोल्डर पावर होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उसी शोल्डर पावर से आप मैसिव बैट इस्तेमाल कर सकोगे, उसी शोल्डर पावर से आप मैसिव बैट को ऐसे उठाओगे, उसी शोल्डर पावर से आप उस मैसिव बैट को पूरी वेलोसिटी से ऐसे घुमाओगे, और तभी आपके बैट की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब यह तो बैट की कंडीशन होगी, हमने यह बात समझ लिया कि इस कंडीशन में यदि बैट मैसिव होएगा तो बैट की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं आना है, बिफोर द कोलिजन जो भी कुछ बैट की वेलोसिटी है, आफ्टर द कोलिजन भी बैट की वेलोसिटी वही रहना है, मतलब बैट की स्टेट में, मैसिव बैट की स्टेट में कोई फर्क नहीं, मैसिव वॉल की वेलोसिटी टकराने के पहले जो थी, टकराने के बाद भी लगभग वही रहेगी। फर्क किस चीज में आया जरा देखते हैं, बॉल की कंडीशन में देखते हैं कि बॉल में क्या फर्क आया। बॉल में जो फर्क है उसे समझने के लिए अब हम दूसरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वॉल प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ वॉल, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ बैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ बॉल। इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ बैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ बॉल। अब जरा देखिए, मैंने अभी अभी कंक्लूड कर लिया है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैट, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2v, और इस u को मैं इधर ले आऊं माइनस u इज इक्वल टू यू डैश, और u डैश इज इक्वल टू 2v माइनस u। अब जरा देखिए, u डैश इस सिचुएशन में लगाता हूं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2v, मतलब बैट की दुगनी वेलोसिटी और बॉल की नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो माइनस ऑफ ये जो u है, इधर मैंने कहीं पर भी u को नेगेटिव नहीं लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया है,
बॉल जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इसके लिए मैं माइनस ऑफ मॉड यू कर दूं, बॉल की जो भी कुछ वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बैट पॉजिटिव डायरेक्शन में, बॉल नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल वुड बी 2v प्लस मॉड ऑफ u। इसका मतलब टकराने के बाद यह बॉल पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से टकराई है वो वेलोसिटी तो उलट ही रही है, साथ में बैट की दुगनी वेलोसिटी उसमें ऐड अप हो जा रही है। यह बॉल जिस वेलोसिटी से टकरा रही थी, जिस वेलोसिटी से बैट की तरफ आ रही थी, वह वेलोसिटी तो उलट ही गई है, साथ साथ में इस बैट की दुगनी वेलोसिटी भी उसमें ऐड अप हो जाएगी। इसका मतलब बॉलर जितना फास्ट बॉलिंग कर रहा है, जितनी तेजी से बॉल बैट की तरफ आ रही है, उतनी ही तेजी से वह बॉल बैट से दूर भी जाएगी, न केवल उतनी वेलोसिटी से बल्कि जितना तेजी से आपने बैट को घुमाया हुआ है। आपको जरूरी है बैट को तेजी से घुमाना भी, मासी बैट लेकर ऐसे ही टच करेंगे तो कोई फायदा नहीं, बैट को आप पूरा स्विंग लेकर ऊपर तक ले जाते हो और ऊपर तक ले जाने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी से ऐसे घुमाते हो जिससे कि जब बॉल और बैट का कांटेक्ट हो उस समय बैट की मैक्सिमम वेलोसिटी हो, तो जो भी कुछ बैट की वेलोसिटी है उसकी दुगनी वेलोसिटी भी उस बॉल में एडअप हो जाएगी। मतलब सामने यदि शोएब अख्तर जैसा बॉलिंग कर रहा है या डेल स्टेन जैसा बॉलिंग कर रहा है या ब्रेटली जैसा बॉलिंग कर रहा है, जो बहुत फास्ट बॉल कर रहे हैं, जिनकी बॉल भी बहुत फास्ट आ रही है, उतनी ही तेजी से वो बॉल दूर भी जाएगी, और जितना तेजी से आप बैट घुमा रहे हो उसकी दुगनी वेलोसिटी उसमें एडअप हो जाएगी। इतनी तेजी से जाती हुई बॉल, हम कहते हैं कि यदि यह शॉट हवा में खेला गया है तो सीधा बाउंड्री पार सिक्स जाएगा, एंड इफ इट इज अ ग्राउंडेड शॉट तो जमीन से रखते हुए पैरेलल इतना तेजी से बाउंड्री की तरफ जाएगा कि जिसको सिर्फ देखा जा सकता, वह सीधा बाउंड्री पार फोर जाएगा। दिस इज अ पिंच हिटर एंड व्हेन ही हिट्स द बॉल, व्हेन ही मिडल द बॉल, इस रिजल्ट को ध्यान से देखें और फाइनली इस बात को समझ जाएं। दो बातें कंक्लूड करनी है, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मासिव बॉल, इधर मैं लिखता हूं ब्लू कलर में, नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मासिव बॉल। While the velocity of ball वो minus u हो जाएगी, minus u मतलब opposite direction में उतनी ही velocity से लौटेगी, साथ में bat की double velocity उसमें add up हो जाएगी, ball rebounds with addition of velocity in it, and that addition would be 2 times the velocity of massive wall. Ball rebounds with velocity of mod u plus
This is the result needed to be memorized whenever needed. You need to apply it directly. उस समय इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़े. टेक इट एज एन आर्टिकल और इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जब भी प्रॉब्लम आएगा. ध्यान से पूरा आर्टिकल को देखें. इसके बाद अगला आर्टिकल समझाऊंगा. मैं दोबारा इधर एक बात रिकॉल करा दूं. बड़े ध्यान से देखिए, पिछले केस में और इस केस में फर्क है. पिछले केस में मासिव वॉल एट रेस्ट था, वॉल रेस्ट पर थी, और इस केस में मासिव वॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी. पिछले केस में भी यहां से यहां तक ऑपरेशन सेम था, वी माइनस वी डैश अप्रोचेस जीरो, और वी को हमने जीरो करा, वी डैश को भी जीरो करा, क्योंकि वॉल एट रेस्ट है तो वी जीरो और वी डैश भी जीरो. जबकि इस केस में मासिव वॉल जब मूविंग है वेलोसिटी वी, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, बट दैट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो. इनिशियल वेलोसिटी इज फाइनाइट, तो फाइनल वेलोसिटी भी फाइनाइट बट इक्वल. नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मासिव वॉल. पिछले केस में भी यही कंक्लूड हुआ था कि नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मासिव वॉल. मासिव वॉल रेस्ट पर टकराने से पहले भी, टकराने के बाद भी मासिव वॉल रेस्ट पर. इस केस में भी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मासिव वॉल. टकराने के पहले वॉल वी वेलोसिटी से, टकराने के बाद भी वॉल वी वेलोसिटी से. ये कॉमन कंक्लूजन. बस पिछले केस में वी डैश और वी दोनों जीरो हो गया, इस केस में वी डैश और वी दोनों फाइनाइट और बराबर. और इस वजह से पिछले केस में वॉल रेस्ट पर थी तो ये 2v की जगह पर जीरो आ गया, तो u डैश इक्वल टू माइनस u हो गया. इस केस में वॉल मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो ये नॉन जीरो रहा, एड होकर दिख रहा. दोनों केस में डिफरेंस को क्लियरली समझो. वॉल तो दोनों केस में u वेलोसिटी से है, मगर पिछले केस में वॉल रेस्ट पर थी, इस केस में वॉल मूव कर रही है. जब आप प्रॉब्लम्स देंगे, जब आप शीट सॉल्व करोगे, तो वहां पर यह केसेस के रूप में दिखेंगे, और वहां पर प्रॉब्लम पढ़ के आपको क्लिक करना चाहिए, याद आना चाहिए कि हाँ इस तरह की थ्योरी पढ़ा रखी है, एक बार उस थ्योरी को खोलकर एक बार रिवाइज कर लिया जाए. एक एक आर्टिकल पर कम से कम चार पांच ऑब्जेक्टिव शीट्स में आएंगे. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ इस तरह का एक आर्टिकल पढ़ रखा है. अदरवाइज पेजेस टर्न करना, ये जो नोट्स आप देख रहे हो, नोट्स को देखना, आपको हर प्रॉब्लम से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी जरूर मिलेगी, उसको अप्लाई करके